एक हम राग रोटी से नहीं लागे जाय छे आ जीवन घर कर बस। और कैसे लग रही है आपकी बहन? वेरी वेरी ब्यूटीफुल। सभी लोग और बाहर गाना बज रहा है सो अभी इधर कॉपीराइट आ जाएगा तो हम बाहर दिखाते क्या क्या चल रहा है। ठीक है, जो दुल्हन दीदी थी वो बहुत ही अच्छी थी, मेरा साथ एक बार भी नहीं छोड़ रही थी। सुबह सुबह उठ के देखे तो बाहर लिपाई पुताई चल रहा था बारात का जो था वेलकम के लिए, और यहीं पे बारात लोगों को पार्टी जितना भी पार्टी था यहीं पर होना था, इसलिए गोबर से पूरा लिपाई चल रहा था। तो यहाँ पे मैंने गाड़ी चार्ज पे लगा दिया है क्योंकि लौटेंगे पता नहीं बैटरी होगा नहीं होगा। दुल्हन का जो मेहंदी है वो काफ़ी अच्छा रंग लाया है, हम सुबह सुबह देखे उसको, वो काम कर रही थी। और अभी हम लोग का आदिवासी दतून से ब्रश कर रहे हैं, दतून से पीछे सबका घर में लिपाई पुताई चल रहा है, गोबर हो रहा है क्योंकि आज शादी है तो अगल बगल घर वाले लोग भी पूरा साफ़ सफाई कर रहे हैं, पीछे देख रहे हैं। फिलहाल अभी नहा धोवा के रेडी होते हैं क्योंकि अभी दूल्हा लोग आएगा, मतलब कि जो बारात आने वाले हैं वो लोग आएंगे तो दुल्हन को भी रेडी करना है। सो नाश्ता पानी करके हम दुल्हन को रेडी कैसे करेंगे, वो कैसे आज लगेगी वो हम दिखाते हैं। और पहली बार हम सरना का सुबह शादी आए हैं, नहीं तो हम हमेशा सरना वालों का ना शाम में शादी अटेंड किए थे, बट ये जो है ये हम लोग का जैसे होता है दिन में वैसे ही शादी होने वाला। ये जो पुआल और धान है इससे एक कलश बनेगा जो कि बारात का वेलकम के लिए यूज़ होगा। इसके बारे हमको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, अगर आप लोगों को है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे जानना है क्यों और कैसे क्यों होता है ये सब। वहाँ रह के ये पता चला कि इसको बनाने के लिए जो लोग शादीशुदा नहीं होते हैं वही लड़के इसको छांट सकते हैं, बना सकते हैं, और वो भी भूखे प्यासे, मतलब कि कुछ खाए नहीं होंगे, उपवास रखे होंगे, वही लोग कर सकते हैं। और इसके बाद जो अंकल लोग कर रहे थे वो लोग भी उपवास रख के घड़ा को सजा रहे थे। तो ये सब तैयारियां वहां चल रही थी और काफ़ी देर लग गया ये घड़ा को बनाने में, करीबन 2.5-3 घंटा ऐसे को बनाते रहे थे ये लोग। और इस घड़ा के अंदर ये जो डुम्बू बनाया गया है ये सब और कुछ और भी सामग्री ये लोग डालने वाले थे। ये धागा से ये भैया जो थे बहुत सुंदर सा डेकोरेशन करने के लिए बना रहे थे जो बाद में हम नहीं देख पाए थे, लेकिन काफ़ी सुंदर लग रहा था देखने में। इसके बारे और भी आप लोग चीज़ें जानते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। बहुत समय लग गया था इसको बनाते बनाते और हमको जो है बहुत सी चीज़ों को जानने का बहुत इच्छुक होता है तो मैं पूछते रहती हूँ वहाँ पर बैठ के, उनको परेशान करते रहती हूँ कि इससे क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, मैं पूछते रहती हूँ सबको। ये वाला क्या काम से इसको बना रहे हैं? हाँ
उस शादी समय जो बैठेगा उसमें ही वाला काम करना है उसका। तो यहाँ पे जो विधि, जो यहाँ पहान है या कौन है पता नहीं है मुझे, तो ये यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई रुकावट तो नहीं है शादी में बोल के। ये विधि हम बहुत पहले देखे थे, ये बहुत दिन बाद देखने को मिला। और भी इसके बारे आप लोग जानते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। बट ये सब चीज़ें देखने में बहुत अच्छा लगता है कि अभी भी ये सब चीज़ हो रही हैं गांव घर में, तो अच्छा लगता है। और ये बाबा मुझे बताए कि नहीं, ये क्या, सब क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या करते हैं वाला, ये अपना घर का है, ये के लिए वो, ये के लिए अच्छा है कि नहीं, अच्छा है, रुकावट है कि नहीं, वो सब अच्छा। हाँ नहीं, शॉर्टकट में तो समझेंगे हम लोग भी। सो अभी हम लोग सब काम खत्म कर लिए हैं और दीदी का हम लोग मेकअप स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इधर मेरा पूरा सामान जो है और फटाफट दीदी को रेडी करते हैं और दिखाते हैं कि इनका आज का मेकअप कैसा होगा। तो ये हम लोग का फाइनल लुक। और ये तो खुद दीदी तो खुद को नहीं देखी है, कैसे बताएगी कैसे लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है दीदी, बताइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थोड़ा जोर से आज मेरी बहन का बाराती आए हुए हैं, अभी पार्लर वाली मेरी बहन को सजाई है। अब कुछ देर के बाद में वरमाला होगा और हम सब कोई वरमाला के लिए बाहर जाएंगे बस। और कैसे लग रही है आपकी बहन? वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो यही है फाइनल लुक। और अभी हम लोग गजरा लगाए नहीं है, अभी लगाएंगे। तो ये इनकी बड़ी दीदी है ना? हाँ, बड़ी दीदी है। और भी भाई बहन है, मिल चुके हैं, टाइम मिलेगा तो हाँ सबको दिखाएंगे। हाँ सब बिजी हैं अभी। ये हमको मिठाई दे रही है मेरी बहन, थैंक यू। हाँ लड्डू डुम्बू, थैंक यू।
की थी, सो मैं सोची कि यहीं पे ख़त्म करती हूँ, ठीक है। तो कल मैं आ गई थी शाम को, और शाम मतलब निकली जल्दी थी, लेट हो गया था थोड़ा सा, दीदी के यहाँ घुस गई थी वापस उषमा दी के यहाँ, और मैं पहुँची सबसे मिली जुली, दो दिन थी नहीं तो सबसे मिली जुली। तो मेरा ऐसा है सोच कि मैं क्या चाहती हूँ कि जितने भी गांव घर के लोग हैं, मैं क्या सोचती हूँ बता रही हूँ कि मैं यहाँ रहती ज़रूर है, मैं जाती दूर हूँ मेकअप करने के लिए, क्योंकि मेरा सोच है ऐसा कि गांव घर के भी लोग शायद सोचते होंगे कि शादी एक बार होती है तो ऐसे सपड़ेंगे वैसे सपड़ेंगे ना, तो उधर अवेलेबल नहीं होता है मेकअप आर्टिस्ट लोग होते नहीं हैं, चाहे सपड़ाना मतलब कि तैयार करने के लिए कोई होते नहीं है। सो इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं जा के सब तक पहुँचूँ और तैयार करूँ उनको, उनके दिन को कुछ खास बनाऊँ। और अच्छा लगता है नए नए लोगों से मिलना, दूर दूर जाना। एक बार आप लोग भी निकल के देखो अकेले गाड़ी में या कहीं भी अकेले निकल के देखो, इतना खुशी मिलता है, इतना रिलैक्स लगता है, तो मेरे को अच्छा लगता है। सो यही था आज का वीडियो, आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तो अभी तो फ़िलहाल मैं जा रही हूँ फिर से उन्हीं के यहाँ, उनका रिसेप्शन मेकअप करना है। सो फिलहाल के लिए अभी टाटा, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।